हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं स्टैट प्रो ट्यूटोरियल सीरीज। और आज की वीडियो में हम देखेंगे वेरिफिकेशन एग्जांपल नंबर 5। तो हम स्टैट प्रो की हेल्प में जाएंगे। मैं कंटेंट में यहाँ पे अमेरिकन और ब्रिटिश एग्जांपल दिए हुए हैं, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल है और कुछ वेरीफिकेशन एग्जाम्पल है। अभी हम स्टार्ट किए हैं वेरीफिकेशन एग्जाम्पल। तो 5 एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, 6th हम करते हैं, जिसका नाम है प्लेन फ्रेम। प्लेन फ्रेम विथ नो साइड वेज, इसमें हमें डिटरमाइन करता है मैक्सिमम मोमेंट इन दी फ्रेम। एक फ्रेम है हमारे पास, 20 इंच हाइट है जिस फ्रेम की और 20 इंच ही विड्थ है, और इलास्टिक मॉडुलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है ऑल मेंबर के लिए। 2 किप्स पर फीट इस पर यूडीएल लगा हुआ है, और हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, जो इस प्रॉब्लम में थ्योरी में 44.40 और 44.44 स्टैट प्रो के रिजल्ट गिवन हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एक फ्रेम बनाना है 20 इंचेस हाइट, 20 इंचेस विड्थ, यानी कि हमें यूनिट लेनी है किप्स और सॉरी ये इंचेस नहीं फीट है, 20 फीट हाइट 20 फीट विड्थ। तो फीट और किलो पाउंड हमें लेना है यूनिट्स, और हमें प्रॉपर्टीज़ क्या लेनी है इसकी। इन्होंने जनरल एक प्रिज्मेटिक लिया है, जिसमें AX 1 है और IZ 0.05 है, और 2 किलो पाउंड पर फीट इसमें एक यूडीएल लगा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत सिंपल है, आगे आगे बहुत अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स इसमें आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टैट प्रो ऑन किया, न्यू प्रोजेक्ट स्पेस, यहाँ पे टाइटल डाल देते हैं हम वेरिफिकेशन एग्जाम्पल 6। यूनिट हमें लेनी है फीट और किलो पाउंड। नेक्स्ट फिनिश। तो जैसे कि मैं कोई भी मॉडल हो, सबसे पहले मैं एक जॉइंट बनाता हूँ, उसके बाद ग्रिड को क्लोज कर देता हूँ। सबसे अच्छा तरीका और इजी तरीका यही है बनाने का। फिर नोट कर्सर लेंगे हम और उस जॉइंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम ट्रांसलेट रिपीट टूल को लेंगे, और इसमें फिर प्रॉब्लम में देखते हैं। ये जॉइंट हमारा बन चुका है, मान लीजिए ये जॉइंट हमारा बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे इसको एक ऊपर, फिर इस फ्रेम को इधर। तो वाई डायरेक्शन में करते हैं, कितना फीट, 20 फीट, और लिंक ओके। अब हम क्या करेंगे, इस बीम को सिलेक्ट करेंगे और एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट रिपीट टूल से 20 फीट और लिंक। अच्छा, आप देखिए, लिंक पे क्लिक करने के बाद जब हम हॉरिजॉन्टली किसी वर्टिकल मेंबर को मूव कराते हैं, तो लिंक करने के बाद यहाँ पे एक आइकन है ऑन हो जाता है, ओपन बेस। इसका मतलब है केवल ऊपर बीम कनेक्ट होगा, नीचे हमारा बेस ओपन होगा अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो। ओके करते हैं, ये देखिए, अगर मैं उस ओपन बेस पे क्लिक नहीं करता तो यहाँ पर भी एक मेंबर बन जाता। तो ये हमारा बन चुका है। सपोर्ट देखते हैं क्या है, फिक्स सपोर्ट है, तो जनरल सपोर्ट ग्रेट, फिक्स सपोर्ट ले लेते हैं और वो हम इस पर असाइन कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसमें, मेंबर जो है जनरल मेंबर है, जिसका AX 1 है और IZ 0.05 है। तो प्रॉपर्टी डिफाइन जनरल AX 1 है, और ये भी डालना पड़ेगा हमें तीनों वैल्यू, वरना एरर आ जाएगा। ऐड क्लोज, इसको असाइन कर देते हैं। उसके बाद एक बहुत छोटी प्रॉब्लम है, ऐड करते हैं डेड लोड। डेड लोड में हमने ऐड किया एक मेंबर लोड, जिसके अंदर यूडीएल है 2 माइनस, मतलब डाउनवर्ड 2 किप्स पर फीट, इसको असाइन कर देते हैं। उसके बाद एनालाइज कर देते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग में जाते हैं, बेंडिंग मोमेंट डिफ्लेक्शन को हटा देते हैं, और रिजल्ट व्यू वैल्यू बीम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखते हैं कितनी आ रही है, 75.355 mm। इसको कन्वर्ट करते हैं हम
यहाँ पे फोर्स पर यूनिट है, तो हमारे पास फोर्स आ रहा है मीटर, एंड सॉरी मोमेंट है यहाँ पे, तो फोर्स मोमेंट, फोर्स है हमारा मीटर और ये है हमारा किलो न्यूटन। सो कन्वर्ट करना है हमें फीट और किलो पाउंड में कि उसमें कितना आ रहा है, 75.335, ये आ गया हमारा 55.56, और हमारा आंसर क्या है, 44.40। कहाँ मिस्टेक हुई है चेक करते हैं, इलास्टिक मॉडुलस एंड आई फॉल ऑल मेंबर सेम, ई इन्होंने जो लिया है 41332 × 10³। ठीक है, इन्होंने लिया है, हम ये चेंज करते हैं, एडिटर में जाएंगे और ई की वैल्यू इन्होंने क्या ली है, 41342, फिर उसके बाद 10³³। ये इन्होंने वैल्यू ली है, ये वैल्यू लेने के बाद फिर हम एनालाइज करते हैं, डन, पोस्ट प्रोसेसिंग, डिफ्लेक्शन को हटाते हैं, बेंडिंग मोमेंट ऑन करते हैं, रिजल्ट व्यू वैल्यू बेंडिंग रिज मोमेंट, अब आ रही है हमारी उतनी ही आ रही है 75.335, और जब इसको हमने कन्वर्ट किया तो उतनी नहीं आ रही जितनी इनकी आ रही है। और क्या इन्होंने -2 लगाया है, फोर्स की वैल्यू है इनकी किप्स पर फीट, ये भी ठीक है हमारा, ये भी फीट है, और जो मोमेंट आई है इनकी किलो पाउंड फीट में आई है। तो दोबारा से एक बार चेक करते हैं, मैक्सिमम है या कि मिनिमम इन्होंने ली है, इट मीन द मैक्सिमम मोमेंट इन द फ्रेम, मैक्सिमम है तो टूल यूनिट कन्वर्टर मोमेंट, मोमेंट होती है हमारी ये, तो मीटर और किलो न्यूटन लिया है इन्होंने, और यहाँ पे लेना है किप्स और फीट, 75.335, 55.46, इट मीन्स 10 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, आना कितना चाहिए एक बार देखें, फीट किप्स मीटर किलो न्यूटन, 44.44, 60 के करीब आना चाहिए हमारा, 60.25 आना चाहिए। तो अब चीज़ें चेक करते हैं हम, एक बार पहले हम इसको डायमेंशंस चेक करते हैं, 20 फीट 20 फीट, फिक्स सपोर्ट है इसमें, फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, आई इनका कितना है, आई है इनका फीट किप्स में यूनिट है 41322 × 10³। ओके, हम भी चेक कर लेते हैं, ई है हमारा 41322 × 10³, और हमारे जो यूनिट्स हैं फीट और किप्स हैं, ठीक है, ये अगर हम इसको ऐसे करें, ई प्लस 003 एनालाइज करते हैं, डबल क्लिक करके भी हम बेंडिंग में चेक कर सकते हैं, 75, एक बार लोड चेक करते हैं, टू फीट्स टू किप्स पर फीट, शिफ्ट वी से वैल्यू के, डिस्प्ले यूनिट्स को हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से, डिस्प्ले यूनिट तो पहले से चेंज है, के कहाँ गड़बड़ हो सकती है एक बार देखते हैं। अच्छा, ए एक्स इन्होंने 1 दिया है और आई जेड केवल दिया है, ये चेक कर सकते हैं हम, मेंबर प्रॉपर्टी आई एक्स, इन सब को 0 करते हैं हम, अब एनालाइज करते हैं, डन, अब बेंडिंग में डबल क्लिक करते हैं, 75.33 ही आ रही है बेंडिंग मोमेंट, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार पॉज करके वीडियो को, तब मैं ओके, ये जो आपकी बुक है मैक और मैक जे सी स्ट्रक्चर एनालिसिस,
इसमें मैंने पता किया कि इस प्रॉब्लम में पेज नंबर A383 में जो आंसर है वो आपका 54.46 है, यानी कि यहाँ पे आंसर ही गलत है, तो हमारे ये ठीक ठीक आ रहा है डबल क्लिक करके वेंडिंग में। अगर हम इस पे डबल क्लिक करें तो 60 आ रही है। दरअसल इन्होंने जो आपका ये देख रहे हो इसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन द मैक्सिमम मूवमेंट इन द फ्रेम, पूरे फ्रेम में कितनी मैक्सिमम मूवमेंट आ रही है, इन्होंने जो आंसर लिखा है 44, इन्होंने मूवमेंट ले ली है इसकी कॉलम की, कॉलम पे अगर आप देखेंगे 60.25 आ रही है। इसको कन्वर्ट करें अगर हम मूवमेंट मीटर किलो न्यूटन किप्स फीट कितना है 60.25, तो देखेंगे आप 44.43 आ रहा है, जबकि प्रॉब्लम में इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम मूवमेंट बतानी है फ्रेम में, तो मैक्सिमम मूवमेंट तो आपके हॉरिजॉन्टल फ्रेम में आ रही है, हॉरिजॉन्टल बीम में आ रही है ना, इन्होंने मैक्सिमम पूछा है, लेकिन उन्होंने आंसर जो गिवन दिया है वो आपको दिया हुआ है वर्टिकल मेंबर में। ठीक है, इसका मतलब हमारी प्रॉब्लम ये ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जैसे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।